हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा बाई स्टार्स फैमिली में। और हम लोग उठ गए हैं, हमारी पैकिंग हो गई है क्योंकि मैं जा रही हूँ मुंबई। पता है मैं क्यों जा रही हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि ना मुझे अर्शु के लिए वहां से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आने हैं। एक न्यू बाइक लेके आनी है, एक न्यू बड़ी बाइक लेके आनी है। वैसे इसको बर्थडे पे मिलेगी बाइक, तो ठीक है अर्शु, मैं छुपा दूंगी यहाँ पे लाके, ठीक है? फिर आपको बर्थडे पे देंगे बाइक, है ना? वो घर पे बनाओगे? नहीं, लेके आऊंगी ना न्यू। कहाँ पे? मैं लेके आऊंगी। तो गाइज, मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग मुंबई जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, वो सब आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, या हो सकता है इसी व्लॉग में पता चल जाए, क्योंकि हम लोगों को आज ही निकलना है 1:30 बजे की। कब आओगे? 2 days बाद। तो दो तीन दिन की ट्रिप है हमारी, और कौन कौन जा रहा है वो सब मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूंगी। अभी तो बस जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, और गाड़ी की चाबी पकड़ के आ गए। तो गाइस, हमारी सवारी जो है निकल चुकी है बॉम्बे के लिए। और सबसे ज्यादा परी को ही टेंशन हो रही है, क्योंकि इसको मेरी याद आएगी, है ना? तो परी के वैसे एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मैं एकदम फ्री माइंड होके जा रही हूँ, क्योंकि इसके एग्जाम जो है खत्म हो गए, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और बस अभी हम लोग निकल चुके हैं, रेलवे स्टेशन 5 या 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे हम लेट हैं, बट बस ट्रेन ना छूटे हमारे। योगेश जी हमें छोड़ने आए हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमें छोड़ने के लिए आए हैं। कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेली जा रही हूँ। तो परी भी आई है हमारे साथ, है ना? परी भाई का ध्यान रखना, और लड़ाई मत करना उसके साथ, और जिद बहस मत करना, ठीक है? वो कहे जो मान लेना, वो छोटा है बेटा। मैं 4-5 दिन में आ जाऊंगा। नहीं, 4-5 दिन के अंदर तो आई जाऊंगी। हम पहुंच गए हैं फाइनली, हमारे छोटे छोटे बच गए हैं। सबका यही हाल था, और किसी हाँ। को कुछ भी है ना, एक्सपीरियंस मत पूछना कि हम कैसे हाँ, पहुंचे कैसे पहुंचे हाँ। बड़े मुश्किल से हम ना बड़ी मुश्किल से पढ़ते पहुंच गए हैं, और हमारे सभी मेंबर्स का यही हाल था। बहुत मुश्किल से पहुंचे, पूछो मत ना, मुश्किल से पहुंचे ना, जैसे जिसकी हद नहीं। आज अब गई कि हम लोग बैठ जाएंगे, आज पहुंच गए अब तो, छोड़ दिया ऐसा था कि है ना, नहीं जा पाएंगे हम, लेकिन फिर भी हम पहुंचे के लिए। और अच्छा, अभी हम मैंने बताया नहीं कि हम लोग बॉम्बे क्यों जा रहे हैं, अभी हम बताएंगे, बातें आराम से बताएंगे। कौन बताओ? हाँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं। कल कल पापा कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पापा कहाँ गए? पापा मार रहा है। ब्लॉग कहीं हम भी जाए नीचे। हाँ, वाह कितने सुंदर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी हम लोग रुके हुए हैं गुड्डू भाई से, पापा बिल्कुल गुड्डू भाई से पापा से मिलने के लिए। मजा आ रहा है, मजा बहुत मस्ती कर रहे हैं। और हमारे पीछे बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं। तो अभी ट्रेन आई थिंक क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है, और मस्त मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ऐसे सिंगल तो मैचिंग ना, मैचिंग मैचिंग पहन के आए। व्हाइट व्हाइट ब्लैक। आगे की अपडेट भी हम देते रहेंगे। बहुत अच्छी ट्रिप जाने वाली है, और बहुत मजा आने वाला है आपको भी हमारे साथ साथ। खूब हमारे साथ पूरी टीम है, पूरी की। और ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आपको व्लॉग में दिखा भी नहीं सकते। हमको व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं, मन ही नहीं कर रहा, पता है, मन ही नहीं कर रहा। इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, कि व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। बट फिर भी छोटा मोटा जो भी व्लॉग होगा, टूटा फूटा हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहिएगा। तो गाइस, फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं इतने लंबे सफर के बाद। गुड मॉर्निंग कर दो सब। तो हम लोग जब सब छत्रानिया
आ चुकी है मुंबई में, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से स्टेशन से, बाकी मिलेंगे आपको होटल में, यस होटल में मिलेंगे आप लोगों को। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लिफ्ट में। कैसा लग रहा है गुड्डा? अरे चिपा 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 चिपा। लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। हाय हम लोग होटल, ओह अच्छा सुंदर लग रहा है मुझे, लगा एक जगह क्या बोल रही हूँ, हम लोग सुंदर लग रहे हैं, मैं आके हीरोइन बन गया बंदा। ओह गॉड ये एक से एक बड़ी हीरोइन बैठी है। तो हम लोग अभी होटल पहुंच चुके हैं, बस हम आधे घंटे में चेक इन करेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करना है आगे और हम क्यों आए ये भी बताएंगे। अभी देखो धीरे धीरे, अभी कैसे बताएंगे, हम पूरा अपना शतराणियों वाला जलवा बिखेरेंगे। क्या है क्या नहीं, वैसे आधे लोगों को पता है, बाकी हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता होगा बस, है ना, उनको नहीं पता। सस्पेंस सस्पेंस थ्रिलर क्राइम। अच्छा आज फिर होगी क्या? तो गाइस हमारा रूम है ना थोड़ा बड़ा है, पर मुमल को हम है ना कोई अच्छा रूम दे रहे हैं क्योंकि हमारे वाला अच्छा नहीं है। मैं क्या है ना जीजा की थोड़ा रिस्पेक्ट करती हूं, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं जीजा को मुझे बड़ा रूम देना चाहिए क्योंकि जीजा बड़े हैं, एडजस्ट कर लूं क्योंकि जीजा बड़े हैं। मैं जीजा से बहुत प्यार करती हूं, नहीं कोई बात नहीं जीजा हम एडजस्ट कर लेंगे, कर लोगे ना एडजस्ट पक्का बेटा, वरना वो ले लो पर हम ऐसे। तो यहाँ पे हमारे रूम्स का जो है बंटवारा हो चुका है, अब हम अलग अलग हो चुके हैं, पर हम अलग नहीं हुए, हम यही बसड़ बजाने वाले हैं। सुनो हमारा सामान अलग हो चुका, हमने इनको अच्छा सा दे दिया रूम, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दे दिया जबरदस्ती ले लिया, मेरे रूम ले लिया। अब हकीकत बता दो हमारा रूम हल्का सा बड़ा ही और हल्का सा बड़ा है, हल्का सा थोड़ा सा रूम हल्का सा बड़ा है, हल्का सा छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा रूम, क्यूट सा हमारा, क्यूट सा छोटे छोटे बच्चों का छोटा छोटा रूम, छोटे छोटे बच्चों का। देखो हमारे साथ ऐसे हट्टे कट्टे जवान है तो ना फिर हमें रूम बड़ा चाहिए यार, समझा करो यार, समझा करो, ये तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हम लोग अलग रूम में आ चुके हैं और गुड्डू नहाने की तैयारी कर रही है और मैं बैठी हूँ, मैं वो जब नहा के आ जाएंगी उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और बहुत मजा आ रहा है यार सच्ची में, मतलब फ्रेंड्स के साथ मैं इस तरह से पहली बार बाहर आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना गुड्डू, तुम भी फर्स्ट टाइम आई हो? मैं फर्स्ट टाइम हूँ। हाँ फ्रेंड्स के साथ मतलब फर्स्ट टाइम ही ये आई है, फर्स्ट टाइम ही मैं आई हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है, हम रात को भी नहीं सोए थे पता, इतना मतलब मस्ती कर रहे थे ट्रेन में भी, ब्लॉग तो मैंने कुछ बनाया नहीं लेकिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, हाँ बस ये कम्प्लीट करना है ये चीज़ है, ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, लेकिन मन ही नहीं कर रहा सही में ब्लॉग बनाने का यार, खतरनाक मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लोग जाएंगे तेजू जीजा से मिलने के लिए और हम लोग उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं, तेजू जीजा हैं, उनसे मैं मिलवाऊंगी आपको इस ब्लॉग में, उनका KBC में सिलेक्शन हुआ है तो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और अभी उनसे मिलवाएंगे, वो अलग होटल में हम लोग अलग होटल में, तो अभी हम लोग बस रेडी वेडी होके वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे ठीक है, और उनसे मिलवाने के बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, मैंने सोचा कि इसी ब्लॉग में आपको बता देते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं।
तो उनको चीयर अप करने के लिए हम लोग आए हैं, पूरी टीम आई है, बहुत सारे मेंबर्स आए हैं जिनसे 4-5 से तो आप मिल चुके हो व्लॉग में, बाकी और भी हैं जो उनके साथ हैं और एक स्पेशल पर्सन है उनसे भी मिलवाएंगे उनके हम बहुत बड़े फैन हैं, हाँ। तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको पक्का व्लॉग में, मैं मतलब मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि वो कौन है जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो गाइस अभी रेडी हो गए हम लोग और बस निकल रहे हैं, और मैंने अपना वही जीन्स और टॉप पहन लिया है, वैसे सबने जीन्स टॉप ही पहना है। गुड्डू भी रेडी है, गुड्डू मैडम को लगी है भूख, सुबह से एक बार खा चुकी है, सेकंड टाइम भूख लगी इसको मैं बोल रही हूँ बाहर से वड़ा पाव खा लेंगे, बोले नहीं चिप्स खानी है, बताऊंगी ना बताऊंगी कि हेल्थ का राज क्या है, हेल्थ का राज तो बताऊंगी ना, कुछ भी नहीं खाया अभी तक, ऐसा लग रहा है आपको और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना खा लिया। हाँ सही में। तो गाइस यहाँ पे अभी ये लोग जा रहे हैं शूट पे और मैं बना रही हूँ व्लॉग। तो ये है हमारे जीजा जो केबीसी में सेलेक्ट हुए हैं, तो सब लोग इनके लिए प्यारी प्यारी विशेस करना कि ये हॉट सीट पे आए और हमारे राजस्थान हमारे राजपूताने का नाम रोशन करें, है ना जीजा पक्का। धाकड़ क्षत्राणिया, धाकड़ क्षत्राणिया मुंबई में आई है और धाकड़ है तो धाकड़ ही करके जाएंगे बिल्कुल, तो सब लोग तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे। और ये है हमारे गरिमा भाई साहब जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, तो मिल लो भाई साहब थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स से, आपको बहुत याद करते हैं वैसे जीजा, हॉकी भी बनाओ एक बार, एक बार हॉकी बनाओ, मैंने कहा हॉकी नहीं बना सकते, तो अभी फोटोज में थोड़ा बिजी है, आपसे मिलेंगे आफ्टर सम टाइम, चलो 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 मिलते रहेंगे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अभी बाद में मिलवाएंगे आपसे क्योंकि अभी ये लोग लेट हो रहे हैं शूट के लिए जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपसे। जाओ 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 लेट मत हो, खा तो लिया कितना रुलाओगे बच्चे को, आप बोले चलो चलो मैं चल गया, आप बोलते ना बैठो बैठो तुम बैठो, वाह रवाना हो पैदल बाय। तो ये लोग अभी शूट के लिए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन का शूट है। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बीच में, तो अभी हम लोग बीच पे आ गए हैं, जुहू बीच पे आए हैं अभी, और हम शॉपिंग भी करके आए हैं मार्केट में, और प्लेन भी जा रहा है, प्लेन देख सकते हो आप, आए हाय कितनी सुंदर आ रही है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, अंधेरा हो जाएगा वीडियो बनाने आ जाओ, तो हम लोग अभी जाते हैं और थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेते हैं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में अच्छी नहीं आएगी बिल्कुल भी वीडियोस, और पीछे हमारी पूरी गैंग आ रही है और बहुत सुंदर व्यू मैं आपको दिखा दूंगी, हो जाएगा क्योंकि फिर तो ये हमारी पूरी गैंग जा रही है मुंबई, हम लोग आ चुके हैं जुहू बीच, चलो आपको डुबाते चलो आपको भी डुबाते हैं, अब लाओ मैं बनाती हूं, पहले ना कुछ इतना अच्छा वीडियो आ रहा है सच में, बनाओ ना तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बोट पे क्योंकि हमारे गुड्डू भाई साहब को जाना था, हाँ। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, और पार लगता है डर लेकिन मैं फिर भी अच्छा ठीक लेकिन मैं फिर भी एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ, सच में डर लगता है हाँ पता है बट कोई बात नहीं, ये है मेरे साथ शेयर, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं इनके साथ बहुत बहुत मजा आने वाला है, मतलब पानी से ना मेरे को प्यार है, पानी से Okay.
चलो उतरो चलो उतरो चलो उतरो बंदों में ये अपने अपने घर जाओ। गोला खाने का मन किया बिल्कुल, और है ना ये देखो ये बच्चों वाली हरकतें, बस बस यही बाकी रह गया इनके तरह ना। इतना सारा सामान है, इतना सारा कुछ भी खा सकते थे, खाने की खूब है, लेकिन नहीं गोला खाना है मैडम। इतना बड़ा गोला, वो भी देखो गोला खाया है। और हमारी गुड्डू मैडम दिखाती हूँ क्या खा रही है, इतनी काजू कतली वाली आइसक्रीम। मुझे बोल रही थी खाओ खाओ बेटा इतना बड़ा गोला खाओ, अब तुम खाओ, मैं एक पीस नहीं खाऊंगी इसमें से, एक पीस नहीं खाऊंगी इसमें से। कितनी टेस्टी लग रही, कितनी सुंदर है, दिखाओ 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 नीचे दिखाओ वीडियो में। ओहो क्या लाजवाब लग रही है, आइसक्रीम में ये एक लाल वाली नूडल्स से नहीं आ रही। हाय हाय तृप्ता, हाय मुमल, अभी ये खाने का ऑर्डर दे रही हैं, फिर आपको एक बहुत अच्छी बात बताएंगी मुंबई के बारे में, एक बहुत अच्छी बात बताएंगी आपको। मुमल मुमल क्या हुआ, मुमल क्या हुआ बेटा, वाह बहुत सुंदर है, कितने की लगाई, 1500 का चूनक लगा क्या इन्हें, कैसे लगा लेता मैं अगर ब्लैंकेट, बोले मेरी शादी में नहीं लगवाई मेरे 1500 की, मेरी शादी में नहीं लगवाई मेरे 1500 में मेहंदी खरीद के ले जाती हूँ, मेरा पूरा खानदान खानदान लगा लेता, और याद और करता कि मुमल मेहंदी लाई है, मुंबई से मेहंदी आई, थोड़ा ब्लॉग बना दूंगी नहीं। और ये 1500 कैसे क्या हुए, कैसे हुए 1500 बताओ, कैसे हुए मतलब ये एक जो फूल है ना, ये एक फूल, हाँ। ये है 20 का, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे हुए 44, हाँ। अभी 44 हो गए, उसके ले लिए उसने 880 लिए। और क्या बात है, जैसे बोला ना 880, हाँ 880 जैसे बोला ना, हमने बुला रहे मैडम कल को हम भी मेहंदी लेके गए, मेरे 820 हो गए। वाह 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 वाह, मजा मजा मजा। आप मुंबई में आए तो मेरे रेस्टोरेंट में विजिट जरूर करें। आप दिखाना शोभा, ये रेस्टोरेंट कब खोला, अरे ये खोला था, रजिस्ट्री खो गई थी, मेरे को भी आज ही मिला है। शोभा रेस्टोरेंट एंड बार तो हमने यहाँ पे ओपन किया है मुंबई में, तुम आओगी ना, मैं अभी तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाले ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं क्योंकि ना पहले अपलोड नहीं कर सकते थे इनको केबीसी आने से पहले, इसीलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।